दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमाते हैं और इस वक्त इनके पास 84 बिलियन US डॉलर्स की संपत्ति है। इनके पास इतना पैसा है कि अगर 100 लोग भी उतना पैसा गिनने बैठें तो उन्हें भी तकरीबन 2 साल लग जाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया के भी सबसे अमीर इंसान हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मुकेश अंबानी के पास इतना ढेर सारा पैसा है तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये इतने ढेर सारे पैसे का करते क्या है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे मुकेश अंबानी का परिवार उड़ाता है अपनी अरबों की दौलत। नमस्कार और स्वागत है आपका फैक्ट्स थेरेपी की स्पेशल वीडियो में। आप शायद ना जानते हो कि मुकेश अंबानी के पास करीब 84 बिलियन डॉलर्स हैं, जिसे अगर हम इंडियन करेंसी में देखें तो करीब 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अंबानी का इतना रुतबा है कि चाहे कोई भी बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, मुकेश अंबानी के सामने उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। मुकेश अंबानी से एक इंटरव्यू में उनकी फेवरेट डिश के बारे में पूछा गया तो मुकेश अंबानी ने बताया कि उन्हें इडली बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी सादी पसंद वाला आदमी कोई ज्यादा खर्च नहीं करता होगा, लेकिन मैं बता दूं कि मुकेश अंबानी खुद पर ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली पर अपना बेशुमार पैसा उड़ाने का कोई भी मौका नहीं गवाते। फिर चाहे वो 220 करोड़ रुपए की नीता अंबानी की बर्थडे पार्टी हो और या फिर 700 करोड़ से भी ज्यादा की उनकी बेटी की शादी, वो पैसा खर्चने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अब हम बात करते हैं नीता अंबानी के बर्थडे पार्टी की। दोस्तों, जोधपुर के उमेद भवन में सितारों की चमचमाती हुई रात में देश विदेश के नामी हस्तियों ने हिस्सा लिया था। अपने गेस्ट को जोधपुर में पहुंचाने के लिए 32 चार्टर्ड प्लेन्स बुक करवाए गए थे, जो उनके 300 मेहमानों को जोधपुर लेके गए। गेस्ट के लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए पूरे देश से 400 से भी ज़्यादा एस क्लास मर्सिडीज बुक कराई गई थी और इस पार्टी की सजावट थाईलैंड से मंगवाए गए फूलों से करवाई गई थी, जो कि दुनिया के सबसे महंगे फूल थे। बच्चों के लिए भी कीड़ी राइड्स का प्रबंध किया गया था, जो कि स्पेशली लंदन से मंगवाई गई थी। इस पार्टी में दुनिया का हर तरह का खाना और महंगी से महंगी शराब परोसी गई। और ये बात जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि ये बर्थडे पार्टी दुनिया की सबसे महंगी बर्थडे पार्टी थी। अब बात करते हैं नीता अंबानी की लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में। नीता अंबानी हमेशा लग्जरी चीज़ों को खरीदती रहती हैं। अगर हम बात करें उनकी लिपस्टिक की तो नीता अंबानी जो लिपस्टिक लगाती हैं उसकी कीमत 40 लाख रुपए है। नीता अंबानी के पास जिमी चू जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स के बैग हैं जिनकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। नीता अंबानी की साड़ी की बात करें तो वो भी दुनिया की सबसे महंगी साड़ी है, जिसे हाथों से रियल गोल्ड और डायमंड से सजाया जाता है। और इस साड़ी की कीमत जानकर दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इस साड़ी की कीमत 3 करोड़ रुपए है। ये चाय भी लग्जरी कप्स में पीती है, जो कि जापान की क्रॉकरी कंपनी नोरिटा के होते हैं। और वैसे कप्स का सिर्फ एक सेट ही लगभग 1.5 करोड़ रुपए का होता है। नीता अंबानी के पास A319 लग्जरी प्राइवेट जेट भी है, जो कि उनके हस्बैंड मुकेश अंबानी ने उनके बर्थडे पर दिया था और इस प्लेन की कीमत 230 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी के कार्स की कलेक्शन की, तो उनके पास 168 कार से भी ज्यादा कार्स हैं, जिसमें फरारी, लैम्बोर्गिनी, टेस्ला जैसी सभी लग्जरी कार्स हैं। उनकी ये सभी गाड़ियां बुलेट प्रूफ होती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी ने टेस्ला को सन 2019 में ही खरीद लिया था, जब टेस्ला भारत में आई भी नहीं थी। वैसे इन लग्जरी कार्स की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इन कार्स के अलावा मुकेश अंबानी के पास एक लग्जरी वैनिटी वैन भी है, जिसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है। और मुकेश अंबानी को इसे सड़क पर सिर्फ एक बार चलाने के लिए गवर्नमेंट को 1.85 करोड़ का टैक्स भी भरना पड़ा था। अब बात करते हैं एंटीला की, जहां मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ रहते हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि एंटीला दुनिया का सबसे महंगा घर है, जो कि 1 बिलियन डॉलर्स की लागत से बनाया गया है। ये घर कुल मिलाकर 4 लाख स्क्वायर में बना हुआ है और इस घर में तमाम मॉडर्न लग्जरी फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगी। इस घर में 3 हेलीपैड, मंदिर, पार्क, सिनेमा, क्लब के अलावा 3 स्विमिंग पूल भी हैं। इसके अलावा इस बिल्डिंग में 9 हाई स्पीड लिफ्ट्स भी लगी हुई हैं और इस 27 मंजिला बिल्डिंग में कुल मिलाकर 700 से भी ज़्यादा नौकर काम करते हैं, जिनकी सैलरी भी लाखों में है। इस घर की सुरक्षा के लिए अंबानी परिवार हर महीने 1 करोड़ रुपए भी खर्च देते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च किए। ईशा अंबानी ने शादी में जो ड्रेस पहनी थी वही लगभग 90 करोड़ रुपए की थी, क्योंकि इस पर गोल्ड और डायमंड की हैंड एम्ब्रॉयडरी भी करी गई थी।
अंबानी परिवार ने उस वेडिंग में जो इनविटेशन कार्ड छपवाए थे उनकी कीमत भी 5 लाख रुपए थी। अमीर होने के साथ साथ अंबानी परिवार का दिल भी उतना ही बड़ा है। रिलायंस फाउंडेशन के जरिए मुकेश अंबानी अपनी सोशल टीम की मदद से दुनिया भर के जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। सिर्फ यही नहीं, कोरोना काल में भी इन्होंने 500 करोड़ रुपए पीएम फंड में डोनेट भी किए थे। इन सब के अलावा जहां भी पैसों का खर्च आता है, मुकेश अंबानी कभी भी पैसा खर्च करने का मौका नहीं छोड़ते। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी ऐसा वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।